डियर स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ अर्ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनिक्वलिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटीज हम सस्टेनेबल सोसाइटी को लेकर चल रहे हैं जब हम सस्टेनेबल सोसाइटी की बात करते हैं तो उसकी जो रेलिमेंस है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर वो बड़ी इंपॉर्टेंट है उसकी वजह ये है कि हम इससे पहले गुफ्तु -गु कर चुके हुए हैं कि वो सोच वो नॉलेज वो स्किल्स जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेकर चलेंगे तो उसने ग्रो करना है हम इससे पहले इसके बारे में मैं दो एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा आपको इससे पहले जो हमने डिस्कशन की थी अर्थवाम के बारे में आप देखें वो एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन उस एक टॉपिक से जिसमें अर्थवॉर्म के बारे में बच्चों को पढ़ाना था आपने देखा कि टीचर ने किस तरीके से उसकी सबसे पहले उसका नॉलेज इन्हांस किया फिर टीम वर्क पे ले गया फिर अवेयरनेस पे ले गया फिर प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर ले गया फिर क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ले गया और फिर उसकी यूजफुलनेस के बारे में उसने बताया अब कहने को वो एक आम सा टॉपिक था लेकिन वो बच्चा जिसकी उम्र फोर ईयर्स या फाइव ईयर्स कहले है उसने ये तमाम काम जब अपने हाथों से किया उसको ढूंढा फिर ग्रुप वर्क किया ग्रुप वर्क करने के बाद फिर उसने ग्रुप टास्क के साथ साथ उसने इंडिविजुअल वर्क किया अब आप देखें यहां से उसने सीखना शुरू किया यू समझ लें कि उसके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग थी जो स्किल्स थी जो प्रैक्टिसेस थी उसका बीज आज हमने रख दिया अब ये सीड जब ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद जब वो यंग चिल्ड्रन की तरफ जाएगा तो वो कंक्रीट होना शुरू हो जाएगा वो उसके एक्सपीरियंसेस का जब हिस्सा बनेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो ना सिर्फ कंट्रीब्यूट करेगा बल्कि जो उसको अवेयरनेस है उसको वो यूज़ करेगा फॉर द ह्यूमनिटी फॉर द नेचुरल एनवायरनमेंट इसका मतलब ये हुआ कि पहले नंबर पे उसकी अवेयरनेस आई फिर अवेयरनेस के बाद उसने उसको यूज़ किया चीज़ों को फिर उसकी नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ उसकी एडजस्टमेंट हो गई और थ्रू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यूं समझ लें कि उसकी जो आउटपुट है वो वो आइडियल यंग बच्चा है जो हमने अपनी सस्टेनेबल सोसाइटी के बारे में सोचा हुआ है अब हम जब बात करते हैं प्री स्कूल्स की हम कह सकते हैं कि प्री स्कूल के कंटेस्ट के अंदर जब हम बात करते हैं बच्चे नेचर के बारे में इन्वायरमेंट के बारे में बहुत कुछ ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि उनकी क्रासिटी होने की वजह से वो टीचर के साथ गुफ्तु -गु भी करते हैं उनकी जो कन्वर्सेशंस होती हैं टीचर के साथ वो एक रोल प्ले करती हैं देखें जितना छोटा बच्चा है उसके अंदर क्रासिटी पाई जाती है अब वो क्रेसिटी जो है वो उसके लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बनेगा अब इसी लर्निंग प्रोसेस के अंदर अगर हम बात करें और अगर हम उसको डेंजर्स के बारे में भी बता दें हम उस कंटेस्ट के अंदर बच्चों को बहुत सी बातें जो हम समझते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसके बिहेवियर डेवलपमेंट के अंदर और इसकी कॉम्पिटेंसीज के अंदर रोल प्ले करेगा अगर यहाँ पे आज हम उसकी इब्तदा कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो फ्यूचर सस्टेनेबल सोसाइटी है उसकी हमने इब्तदा कर दी है